नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार हरियाणा निवास में हर परिवार की अलग पहचान के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोर्टल लॉन्च करने के बाद एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आधार कार्ड की तरह ही पूरे परिवार की एक अलग पहचान होगी, जिसमें परिवार के मुखिया का नाम सबसे ऊपर होगा। जन्म के साथ ही इसमें परिवार के सदस्य का नाम शामिल हो जाएगा और जब लड़की की शादी होगी तो उसका नाम ससुराल के परिवार में शामिल कर दिया जाएगा और पहले वाला कार्ड दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए परिवार के मुखिया को अटल सेवा केंद्र या अंत्योदय सेवा केंद्र में अपने परिवार के पूरे ब्यौरे के साथ फार्म हस्ताक्षर के साथ जमा करवाना होगा, जिसे विभागों द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास रिपोर्ट। हम एक नए कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं और वो कार्यक्रम है, अभी तक देश भर में एक सिटीजन की आईडी तो बनी हुई है आधार नंबर के हिसाब से, लेकिन कहीं भी परिवार इस नाते से उस इकाई की पहचान ये नहीं है। अगर थोड़ा बहुत डाटा मिलता है तो या तो मिलेगा फूड एंड सप्लाई का, राशन कार्ड का डाटा, वो भी सबका नहीं होता है और वो भी समय समय पर अपडेशन ना होने के कारण से कई कई वर्षों तक चलता रहता है। तो इस प्रकार का कुछ कर्मचारी जो काम करते हैं, खास करके लेबर के लोग हैं, उनके परिवार का डाटा भी कहीं कहीं उपलब्ध है ताकि वो परिवारों को कुछ सहायता देते हैं। तो विचार ये किया कि पूरे हरियाणा का एक रेजिडेंट का डाटाबेस ये बनाया जाए। 3 वर्ष पहले ये विचार आया था, उस समय कार्यक्रम की चर्चा आपने सुनी होगी, वो थी हरियाणा रेजिडेंट डाटाबेस, HRDB करके वो कार्यक्रम की शुरुआत भी हम करने जा रहे थे, लेकिन उसमें आधार को अनिवार्य बना लिया था और सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस थी कि आप आधार के हिसाब से सब लोगों का आधार ले नहीं सकते बिना उसकी इच्छा के, और 360 डिग्री पर सारी बातें एक आधार के नाम से किसी एक जगह पर स्टोर कर नहीं सकते। वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका अपना एक विजन है सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने, हालांकि ये विषय काफ़ी अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, फाइनल शेप में कहीं नहीं पहुँचे हैं, हमें वो HRDB का सिस्टम उस समय बंद करना पड़ा। फिर बाद में ध्यान में आया कि भी हम आधार को ही क्यों पहचान के साथ जोड़ें, हम अलग से पहचान देंगे परिवार की, और परिवार की पहचान देने के लिए उसका एक निश्चित कोडिंग, इसका सिस्टम बनाया और हर परिवार के सदस्यों का और उसमें एक ब्यौरा हमारे पास होना चाहिए और उसमें डायनेमिक उसकी बढ़ती घटती संख्या इसको भी हम जोड़ेंगे, यानी जन्म के समय ही उसमें वो ऐड हो जाए नाम, और दुर्भाग्य से किसी परिवार में से कोई सदस्य चला गया, मृत्यु हो गई, तो उसका भी डायनेमिक तरीके से उसमें से डिलीट हो जाए, ताकि रियल टाइम पर हमें उस परिवार के सब सदस्यों का एटलीस्ट मिनिमम डाटा जो दिखाया गया है, नाम है, पिता का नाम है, जेंडर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसकी आयु क्या है, आयु और डेट ऑफ बर्थ का भी इसमें सिस्टम बनाया है। यदि निश्चित डेट ऑफ बर्थ किसी की पता है तो भरने पर कैलकुलेट करके राउंड ईयर्स में वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, यदि किसी की निश्चित आयु पता नहीं है तो वर्ष भरने पर उसका एक निश्चित जो आज की डेट है उतने वर्ष कम करके उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी, लेकिन ये ऑथेंटिक डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी, ये एक डिक्लेयर्ड डेट ऑफ बर्थ उसकी होगी, और उसके बाद एक सरकारी यानी आंकड़ों में जो हमारे पास डाटा सरकारी है या किसी का रियल प्रूफ है उसको ध्यान में करते हुए उसको वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ बाद में चढ़ाई जाएगी, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल कहीं भी किसी डाटा में प्रूफ नहीं होगी तो उनके मेडिकल बोर्ड बना करके, और एक बार इस सॉफ्टवेयर को, इस पोर्टल को पूरा करते हुए एक निश्चित समय में हर एक की डेट ऑफ बर्थ एक डाल दी जाएगी, ताकि उसका रोज़ रोज़ का ये झंझट कि कहीं किसी ऑफिस में गया तो वो कहते हैं तुम्हारी तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है इसलिए तुम्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता, तो एक निश्चित समय में हर एक नागरिक की डेट ऑफ बर्थ में आ जाएगी। तो इस प्रकार से डाटा तैयार करते समय प्रारंभ में जितना डाटा हमारे पास है, अर्थात PDS का जो डाटा है वो या कुछ और विभागों का डाटा, ये इसको एक बेस डाटा बना करके तैयार किया गया है। अब इस बेस डाटा में किसी भी परिवार का डाटा ठीक होगा ऐसा नहीं मानता, अब इसको अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए आज जैसे इसको लॉन्च किया गया है तो कल से ही कुछ विभागों में इसकी अपडेशन के लिए सिस्टम चालू किया जाएगा। कोई भी सर्विस लेने के लिए वहाँ व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले उसका नाम, उसके पिता का नाम या उसका गाँव, जहाँ भी वो मिलता है, जो डाटा हमारे पास है उसका एक प्रोफॉर्मा
जो बन के हमारे पास अभी हमने देखा, उसका प्रिंट आउट संबंधित व्यक्ति को दिया जाएगा और उनको कहा जाए या अभी या घर जाकर कल तक परसों तक इसको भर करके वो ले आए और ला करके इसको जमा कराएं। ऐसे जमा कराने के बाद जैसे ही प्रिंट आउट लिया जाएगा तो वेबसाइट पर इस पर आ जाएगा पोर्टल पर कि इस टाइम पर इसका प्रिंट आउट लिया गया। और प्रिंट आउट एक जगह लिया गया तो बाद में फिर हो सकता है उसी परिवार का दूसरा कोई सदस्य कहीं और जा रहा है, वहाँ भी वो प्रिंट आउट ले लेगा। तो मैक्सिमम दो प्रिंट आउट मिलेंगे, तीसरा प्रिंट आउट उसको नहीं मिलेगा। दो प्रिंट आउट में से कोई भी एक भर करके वो वापस आके जमा कराएगा और जमा कराने के बाद उसको एक निश्चित स्थिति स्थान पर निश्चित समय में उनको अपडेट किया जाएगा। अपडेट करते ही उसके ऊपर मार्क हो जाएगा लास्ट अपडेटेड ऑन, उसका टाइम आ जाएगा। तो हर एक बार जैसे ही प्रोफॉर्मा सामने आएगा तो उसका प्रिंट आउट कब लिया गया और उसको अपडेट किया गया नहीं किया गया, किया गया तो कब किया गया, ताकि बार बार किसी आदमी को प्रिंट आउट निकाल के देने की स्थिति ना बने। नहीं तो एक आदमी 10 ऑफिस में जाता, हर कोई पहले कहता लाओ जी चुंगी, तो ना हो जाए। तो इसलिए एक निश्चित परिवार का एक या दो बार प्रिंट और लास्ट अपडेशन यदि हो गई फिर उससे बार बार नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जब तक उसका परिवार का भर करके एक बार ला के अपडेट नहीं होता तब तक ये उसको ढूंढा जाएगा। और इसकी सर्च की जो व्यवस्था इतनी आसान बनाई गई है कि फटाफट नाम डालते ही या उसके फादर का नाम डालते ही जिस प्रकार से उसको रिट्रीव करना होगा वो विद इन नो टाइम रिट्रीव हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी सर्विस के सेंटर पर इतनी लंबी लाइनें लग जाए और वो ये कहें कि ये क्या नहीं, एक मुसीबत हमारे गले डाल दी। तो इसको एज फ्रेंडली एज वी कैन हमने इसको किया है। करने के बाद साथ ही जो बर्थ रजिस्ट्रेशन का हमारा, हाँ, शहरों में नगर निगम और गांव में हेल्थ, हाँ, तो इनके माध्यम से वो डाटा भी सुनिश्चित कर दिया है। उसमें हमने ये जो आशा वर्कर्स हैं उनको भी लगाया, जन्म के लिए हेल्थ वर्कर, हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल डिलीवरी में तो हॉस्पिटल में ही हो जाएगा, लेकिन मान लो किसी छोटे हॉस्पिटल में या छोटी जगह पर कहीं हुआ तो वहाँ आशा वर्कर को भी, उसको इंसेंटिव भी रखा है कि ऐसे सब इन्फॉर्मेशन देने वाले को उनको थोड़ा इंसेंटिव दिया जा रहा है। और नगरों में ही नगर पालिका, वैसे तो हॉस्पिटल्स के ही माध्यम से है तो हॉस्पिटल में ही इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन कन्फर्मेशन वो नगर पालिका के माध्यम से होगी क्योंकि आज 95 तो ऐसी इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज हैं, 5% डिलीवरीज अभी ऐसी हैं जो इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो 95% डाटा तो हमको इंस्टीट्यूशन डिलीवरी के माध्यम से ही मिलेगा, उसको अपडेट किया जाएगा। ऐसे ही मृत्यु का डाटा हर एक जो शमशान घाट है और कब्रिस्तान है इनको रजिस्टर कर लिया गया है, इनकी लिस्ट बन गई है। और शहरों में तो इसके लिए नोडल जो व्यक्ति है शमशान घाट का नगर निगम के माध्यम से हर जगह एक व्यक्ति तय होता है, वहाँ वो डाटा तुरंत उसका ऑनलाइन भरेंगे कि इस शहर में इस शमशान घाट में ये 4 डेड बॉडीज आई, इनका दाह संस्कार हुआ या दफनाया गया। और गांव में चौकीदार को नोडल बनाया गया है, चौकीदार को भी इसका कुछ अंश, हर मृत्यु पर कुछ एक पैसा इन संस्थाओं को जाएगा, शमशान घाट को या कब्रिस्तान को। उसमें एक शहर थोड़ा चौकीदार का भी रखा ताकि उसका भी इंटरेस्ट बने, ताकि हर एक व्यक्ति का ये दर्ज हो जाए। प्लानिंग डिपार्टमेंट के ऑफिस के माध्यम से और भी ऑफिस जो ये डिप्यूट करेंगे, जिनको करना होगा करेंगे, मैरिज का रजिस्ट्रेशन इसको भी हम आगे चल करके कंपलसरी करने वाले हैं। वो एक निश्चित डेट को जब इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बन जाएगा उस समय करेंगे, ताकि मैरिज से कुछ दिन पहले या मैरिज के कुछ दिन बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। और उसमें भी मैरिज की कुछ सुविधाएँ भी, कुछ स्कीमें हैं, उन स्कीमों का लाभ इनको होता है। स्कीम का लाभ हो या ना हो तो भी हर एक इंडिविजुअल जिसकी शादी हो गई उसका उस परिवार में जिसका आगमन हुआ पत्नी के नाते उसका नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, जहां वो बेटी थी वहां से वो नाम कट जाएगा। और ऐसे ही न्यू फैमिली माइग्रेशन इनवर्ड और आउटवर्ड उनका भी सिस्टम बनाया जाएगा कि बाहर प्रदेश से कोई फैमिली यहाँ आ गई तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ से कोई फैमिली बाहर चली गई तो वो शायद रजिस्ट्रेशन कराने नहीं आएंगे, लेकिन उसका भी कोई सिस्टम बनाया जाएगा ताकि उसका नाम उसमें से निकाला जा सके। तो ऐसी प्रारंभिक चीज़ें तो ये हैं। इस प्रारंभिक चीज़ों में प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास एक पूरा डाटा तैयार होगा, और जब ये पूरा डाटा तैयार होगा फिर हम एक एक विभाग के माध्यम से इस डाटा का उपयोग करेंगे। प्लानिंग डिपार्टमेंट में केवल ये डाटा होगा और कुछ नहीं, लेकिन विभागों में उन विभागों की जितनी योजनाएं हैं वो इस डाटा के साथ अपनी योजनाएं उसमें स्टोर करेंगे, लिंक करेंगे। और कभी भी कोई नया व्यक्ति या नया परिवार
कोई विभाग अपने आप नहीं जोड़ेगा ना घटाएगा। हर महीने या जो भी एक टाइम तय करेंगे, रियल टाइम भी हो सकता है, कुछ टाइम इंटरवल भी हो सकता है, इस डाटा को विभाग अपने यहाँ रिट्रीव करेगा और उसमें कितने लोग नए जुड़ गए, कितने लोग उसमें निकल गए, वो स्कीमों का घटाव बढ़ाव इस डाटा के आधार पर हो जाएगा। अभी तो कई डिपार्टमेंट्स के डाटा उसमें मिलते ही नहीं हैं। एक डिपार्टमेंट परिवारों की संख्या कुछ बताता है, व्यक्तियों की संख्या कुछ बताता है, दूसरा डिपार्टमेंट अपने ढंग से अपना डाटा तैयार किए हुए है, तो ये मिसमैच जो है ये ख़त्म होगा, ताकि हर प्रकार की आगे योजनाएं उनका सही पात्र व्यक्ति उसको या परिवार उसको लाभ मिले, अपात्र व्यक्ति किसी योजना का लाभ न उठा सके। हमने जैसे देखा, जब से योजनाएं हमारी शुरू हुई हैं ई गवर्नेंस की, मुझे याद है कि सबसे पहली योजना हमने 25 दिसंबर 2014 को शुरू की थी। कौन सी योजना थी आप लोग बताएंगे तो? 25 दिसंबर 2014, जस्ट आफ्टर टू मंथ्स, नहीं, सुशासन दिवस पर ई रजिस्ट्रेशन, सबसे पहली हमारी योजना थी ई रजिस्ट्रेशन। उसमें रजिस्ट्रियाँ जो थी, ये जो पटवारियों के और तहसीलदारों के और वहाँ से जो खेल चलते थे दलालों के, वो पर्याप्त बंद किए, उसमें से बहुत बड़ा एक रिफॉर्म आया था। बाद में बहुत योजनाएं चलाई हमने, अभी मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये योजना चल रही है, सीएम विंडो हमने चलाई है, फिर सब योजनाओं का अगर मैं लेखा जोखा करूँ तो आईटी विभाग के कारण से आज एक बहुत अच्छा मैसेज जनता में है। अब ये नई योजना जब शुरू होगी तो इसमें से परिवार की पहचान जब हो जाएगी, तो हम चाहते हैं व्यक्ति की बजाय परिवार समृद्ध हो, क्योंकि आज व्यक्ति में एक 90 साल का बुजुर्ग भी है, एक 62 साल का बुजुर्ग भी है, एक कमाने वाला व्यक्ति भी 40-45 साल का है या 35 साल का है, उसके डिपेंडेंट आगे बच्चे भी हैं। कई बार फैमिली का कोई ऐसा संकट आता है कि डिपेंडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, कमाई उसकी कम है, एक परिवार एक निश्चित राशि कमाता है, उस परिवार के सदस्य दो हैं तो उसको पर्याप्त है, वही राशि कमाने वाला परिवार डिपेंडेंट 10 है तो उनके लिए तो बहुत कठिनाई है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हर परिवार की आवश्यकताओं का हम ध्यान रख करके इस डाटा को हम उपयोग करेंगे, इस पोर्टल का उपयोग करेंगे। एक ही अगर थीम लाइन बतानी हो मुझे तो, आज सरकारी स्कीमें चाहे केंद्र की हैं चाहे स्टेट की हैं, हम डिक्लेयर करते हैं, जनहित में करते हैं, खूब ज़्यादा करते हैं, संख्या कम नहीं है, सैकड़ों योजनाएँ हैं। हम कहते हैं कि ये योजनाएँ हैं गरीबों के लिए, पात्रों के लिए, जिसकी आवश्यकता हो वो आए, अंत्योदय केंद्र पर आए, सरल केंद्र पर आए, कहीं भी आए, ऑफिस में आए, हमारे SEBC ऑफिस में जाए या समाज कल्याण विभाग सोशल वेलफेयर यहाँ जाए, शिक्षा विभाग की, किसानों की, कितनी ही योजनाएं हैं, आप फार्म भरो लेके जाओ। जो तो थोड़ा समझदार है, होशियार है, वो आके फार्म भी भरता है, लेके भी जाता है। जिस बेचारे की इतनी क्षमता नहीं है, जिसको इन बातों की समझ नहीं, वो अपना घर बैठा रहता है, उसको कुछ मिलता भी नहीं है। अगर अब मैं ये कहूँ, आज तक लोग योजनाएं लेने के लिए हमारे पास आते हैं, अब इस कार्यक्रम को सफल होने के बाद अगले सेशन में जो योजनाएं बनाएंगे, जो पात्र होगा, हम उन्हें डाटा से देख करके हम उसके घर देने जाएंगे, भाई ये तेरी जरूरत है तू पकड़। राशन कार्ड भी बनेंगे, जो परिवार अलग से जिनका राशन कार्ड नहीं है, जो पात्र होगा, जिस प्रकार के राशन कार्ड का पात्र होगा उनको मिलेगा। चार प्रकार के राशन कार्ड हैं, विचार करेंगे कि चार प्रकार रखने हैं या तीन करने हैं। कई बार तो ऐसे एक पिछली लकीर चली आ रही है, उसमें एक येलो कार्ड है, फिर एक ऑरेंज कार्ड है, फिर एक खाकी कार्ड है, एक हरा कार्ड है, उन चारों का कितना कितना लाभ किसको मिलता है, इन पर विचार करेंगे। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य जो बहुत कम इनकम का ग्रुप है, उस कम इनकम के ग्रुप को लाभ मिलने चाहिए। जिसकी इनकम अच्छी है, ठीक है, उसको लाभ की आवश्यकता इसलिए नहीं है, लालच तो हर किसी का होता है सब कुछ मुझे मिले, लेकिन जिसकी आवश्यकता उसको देना है। प्रधानमंत्री जी ने आज ये कहा है, पहले जातिवाद चलता था, खूब जातियों के नाम होते थे, जातिवाद आज भी नए ढंग से हम डिफाइन कर रहे हैं, अब दो जातियां होंगी, एक गरीब और एक गरीब की गरीबी को दूर करने वाले, उनका हाथ पकड़ के ऊपर लाकर उनको मुख्य धारा में ले जाने वाले, एक वो, अब दो जातियां होंगी, मतलब इसका अर्थ अनर्थ कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन वास्तव में आर्थिक दृष्टि से आज वो भेदभाव उतने नहीं रहे जो कभी पुरातन काल में थे। आज समाज में जागरूकता आ गई है, सामाजिक हमारा जो समरसता प्राप्त हो गई है, समाज के लोग सब उठ बैठ के आपस में उठते बैठते हैं, चर्चा करते हैं। आज तो मुख्य रूप से आर्थिक आधार वो एक ऐसा विषय हो गया कि जिसमें से सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना चाहिए।